हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। मेरे पास है यहाँ पे कल्ट स्पोर्ट बीट्स और बहुत अच्छी वॉच है। इसमें आपको इंटरनल मेमोरी बड्स को पे करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे है नॉइस की वॉच नॉइस आइकन टू विस्टा, काफ़ी अच्छी वॉच है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। कॉम्पैक्ट लुक है इसका, लास्ट टू मीडियम टू थिन रिच पे अच्छी लगती है। ये भी आपकी लास्ट टू मीडियम टू थिन रिच पे अच्छी लगती है। 1.85 इंच की डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे इधर की साइड आपको जो डिस्प्ले सिमेट्रिकल मिलती है, यहाँ पे सिमेट्रिकल यहाँ पे भी मिल जाती है, सेम ही लग रही है मेरे ख्याल से डिस्प्ले। आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना दोनों में से बेटर कौन सी डिस्प्ले लग रही है। यहाँ पे साइड में अगर आप स्वाइप करते मतलब साइड से देखते हो तो यहाँ पे आपको साइड व्यू मिलता है और यहाँ पे आपको रोटेटेबल क्राउन मिल जाता है। इसमें आपको रोटेटेबल क्राउन नहीं मिलता, इवन तो यहाँ पे एक टेक्सचर दिया गया टाइप का बट वो रोटेटेबल नहीं है। ये मेरे को थोड़ा सा फ्लॉ लगा, इसमें आपका रोटेटेबल मिल जाता है क्राउन। यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं। SP2HR मोनिटर का सेंसर मिल जाता है, रेड और ग्रीन एक्सेंट का डेडिकेटेड। और यहाँ पे आपको सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है, 20 सॉन्ग्स को वॉच में स्टोर कर सकते हो और इसमें बर्ड्स को भी पेयर कर सकते हो। स्पीकर कमेंट है और यहाँ पे माइक कमेंट मिलता है, यहाँ पे भी स्पीकर कमेंट है और यहाँ पे माइक कमेंट मिल जाता है। 20mm स्ट्रैप साइज मिलता है इसमें आपको, और इसमें आपको 22mm स्ट्रैप साइज मिलता है इसमें, ठीक है। नहीं, 22mm नहीं है, इसमें भी आपका 20mm ही होगा। नहीं, 22mm है बेसिकली, ठीक है, नॉइस की विस्टा टू में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका 2.5D कर्व ग्लास तो दोनों में ही है, ठीक है। इस तरीके के कंपैरिजन को एंजॉय करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, मैसेज नोटिफिकेशन खुल जाता है, यहाँ पे टॉगल मेन्यू खुल जाता है। ये कॉपी किया गया है फायरबोल्ट की वॉच से, विजनरी न्यूक्लियस या मतलब अदर वॉचेस की बात करें तो पूरा का पूरा कॉपीड है ये। और वाटर लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका मैसेज नोटिफिकेशन नीचे की साइड से ऊपर को स्वाइप करते तो आपको टॉगल मेन्यू मिल जाता है। यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे टॉर्च लाइट का इन मेन्यू एप्लीकेशन में मिलेगा अंदर जाके, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाता है। सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे भी हम सेटिंग पे चलते हैं तो यहाँ पे वॉच फेस मिल जाते हैं, यहाँ पे वॉच फेस मिल जाते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले में जाके मेन्यू स्टाइल ब्राइटनेस, मेन्यू स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो लिस्ट या ग्रिड वाला। और यहाँ पे आपका मेन्यू स्टाइल यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, वॉच फेस मिल जाता है। एक बार मेन्यू स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मेन्यू स्टाइल का ऑप्शन, नो, इसमें मेन्यू स्टाइल का ऑप्शन नहीं मिलता। एक्चुअली इतनी सारी वॉचेस हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें एग्जैक्टली आइकन बस वाला मेन्यू मिलता है, मेरे पास आइकन बस भी पड़ी हुई है, आइकन बस के साथ इसका कंपैरिजन जरूर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है, ब्राइटनेस भी यहाँ पे इनफ मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा मिलती है ब्राइटनेस इसमें, इसमें भी ब्राइटनेस अच्छी मिल जाती है। तो ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे दोनों में ही कमाल के मिलते हैं, मतलब कह सकते हो यहाँ पे एमोलेड तो नहीं है बट यहाँ पे एक्यूरेट मतलब कलर एक्यूरेसी अच्छी मिलती है इसमें। इसमें थोड़ा सा एमोलेड है तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, ठीक है। सेटिंग पे चलते हैं वापस से, और क्या क्या मिलता है आपको सेटिंग में। सेटिंग में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, पूरा प्रॉपरली म्यूट करने का ऑप्शन भी दोनों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ब्राइटनेस कंट्रोल के बाद आपको यहाँ पे थिएटर मोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिलता है मतलब स्क्रीन क्लॉक का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रख सकते हो। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता, ऑब्वियसली बात है TFT LCD पैनल है। फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, सिस्टम मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे QR कोड मिल जाता है, अबाउट मिल जाता है, यहाँ पे फाइंड माय फोन है और रिस्टार्ट है, एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, टैप करके आप होम पे चले जाते हो। ये इसमें अच्छी बात है कि इसका क्राउन की वर्किंग है ना, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो इससे, ठीक है, टैप करके होम पे आते हो। अब गाइस यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते हैं तो शॉर्टकट मिल जाते हैं दोनों में ही, मतलब इसमें मिल जाते हैं बेसिकली, इसमें तो मेन्यू खुल जाता है, नॉइस में थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। लेफ्ट साइड से शॉर्टकट खुलते हैं, यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है, तो गाइस लेफ्ट और राइट में दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी फॉन्ट बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है क्योंकि ये फायरबोल्ट की वॉचेस में भी रहा है इस तरीके का UI, तो डेफिनेटली यहाँ पे UI बेटर लगता है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे इधर की साइड से हम मेन्यू खोलते हैं, यहाँ पे इधर साइड से मेन्यू खोल लेते हैं, नॉइस हेल्थ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ओडो द एयर यहाँ पे दोनों में से कोई सी वॉच नहीं बताती है बट ओडो द सर्फेस यहाँ पे कभी कभार बता देती है आपकी नॉइस की वॉच, और इवन नॉइस की वॉच कभी कभार ओवर टू द एयर भी बता देती है, तो ये भी है थोड़ा सा। बट अगेन एक्यूरेसी ठीक है इसकी वॉच की भी, मैंने चेक किया हुआ है एक्चुअली, मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था तो एक्यूरेसी ठीक थी इसकी। और बैक करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी कि इसमें डेडिकेटेड मेन्यू दिया गया है, उसके अंदर सब मेन्यू खुलते हैं तो ये अच्छी बात है। स्पोर्ट्स मोड पे चलते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज मोड पे चलते हैं, यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं एक्यूरेसी किसमें बेटर मिलती है। 51 स्टेप्स मैंने चले हैं यहाँ पे और 47 दिखा रहा है, इसमें देखते हैं यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 55 दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लोज टू एक्यूरेट मिल जाते हैं, दोनों में ही आपको एक्यूरेसी बेटर मिलती है, अच्छी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। उसी के साथ साथ AI वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भी AI वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है आपको देखने के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कैमरा शटर मिल जाता है, इसमें भी कैमरा शटर का ऑप्शन मिलता है, वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, अलार्म क्लॉक स्टॉप वॉच टाइमर मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपका ऑप्शन मिल जाता है, शटर बटन है, टाइमर इसमें भी मिलता है आपको, ये रहा अलार्म स्टॉप वॉच टाइमर, ब्रीद रेस मोड जाता है इसमें, ब्रीद रेस मोड जाता है, और गेम्स जाते हैं इसमें आपको, इसमें भी आपको गेम्स मिल जाते हैं दो ही। और उसी के साथ साथ फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है,
यहाँ पे फ्लैश लाइट का ऑप्शन टॉगल मेन्यू मिलता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यस। इसमें आपका कैलकुलेटर इसमें भी देखने को मिल जाता है, इसमें भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं टॉर्च लाइट आपको दिखा देता हूँ, इसमें टॉर्च लाइट ऐसी है और इसमें भी दिखा देता हूँ आप सभी को, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गाइस मैच कर जा रही है, पता नहीं, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है उसके बावजूद भी कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आईपीएस पैनल का यूज़ किया गया इसमें, एमोलेड डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करके होम पे चले जाते हो। अब गाइस कॉलिंग वाला फीचर चेक कर लेते हैं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डायल करते हैं नंबर को, देखते हैं यहाँ पे लाउडनेस कैसी मिलती है। काफ़ी लाउड है गाइस, नॉइस में चेक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। इसमें भी लाउड है बट इसमें तो क्या कहने, बहुत ज़्यादा लाउड है। ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है दोनों में ही, ये अच्छी बात है। वॉइस असिस्टेंट चेक करते हैं यहाँ पे, ये रहा, और यहाँ पे ये रहा। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? अभी फरीदाबाद में तापमान 28 है। इसमें बता रहा है, इसमें बता रहा है, इसमें लाउडनेस कम है, वो आप बढ़ा सकते हो फोन से, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, दोनों का वेट कर लेते हैं, कौन सी वॉच हैवी है कौन सी हल्की है। यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है, और यहाँ पे हम रखते हैं नॉइस की वॉच को, ये है 49 ग्राम्स की, ठीक है, इतना ही मेरे को लग रहा था। और इसको चेक करते हैं, ये आपकी 49 ग्राम्स की है और ये 52-53 ग्राम्स की है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 4-5 ग्राम्स का अंतर है, और दोनों ही कॉम्पैक्ट लगती हैं। अब गाइस ओवर टू द हैंड्स पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की, और फाइनल कंक्लूजन भी मैं देता हूं दोनों का ही। दोनों ही कॉम्पैक्ट लग रही है, दोनों ही कमाल की लग रही है। नॉइस की थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है, लास्ट मीडियम टू थिन, तीनों इस पे परफेक्ट लगने वाली है, ठीक है। और स्क्रीन रेस्ट के लिए मैंने बोला था ज़्यादा स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लग जाती है वॉच, ठीक है। तो मैंने ऑक्सीमीटर ऑन कर लिया, और यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट रेट को सबसे पहले, और यहाँ पे भी हम हार्ट रेट को चेक कर लेते हैं नॉइस हेल्थ में जाके, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, 97 दिखा रहा है स्पीड, और हार्ट रेट हमारा 80 दिखा रहा है, ठीक है, 80-81 जा रहा है, ठीक है, 81 तक, 97 स्पीड है तो 81, यहाँ पे 82, ओके, क्लोज टू एक्यूरेट में जाती है दोनों ही वॉचेस में, हार्ट रेट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब गाइस बैक करते हैं, यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं, हार्ट रेट तो अच्छी तरीके से काम करता है वैसे, कह सकता हूँ मैं। यहाँ पे 97 दिखा रहा है SPO2, और SPO2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता वॉच से आप चेक करें, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली वॉच है, इवन एमोलेड डिस्प्ले को मैच कर रही है। आई डोंट नो यहाँ पे, मतलब कलर एक्यूरेसी अच्छी मिलती है आपको, कल्ट स्पोर्ट बीट्स की, इवन इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिलता है, तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पड़ जाती है 1700-1800 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, ठीक है। और ये आपकी उतनी वैल्यू फॉर मनी पड़ जाती है भी अगर आपको 2300 रुपये मिल जाए, बट अगर 2500-2600-2700 मिलती है, 2700-2800 में, तो महंगी पड़ेगी। 2500 तक की अंडर मिल जाती है तो ठीक है, मतलब 2400 तक की, 2300 रुपये तक की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट बाय लिंक। तो गाइस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी तो ये वाली वॉच रहेगी, मेरा वोट जाता है कल्ट स्पोर्ट बीट्स को डेफिनेटली। और एमोलेड डिस्प्ले है बस, इसमें सारे के सारे फीचर्स में मिल जाते हैं, A to Z सारे के सारे फीचर है, बट इसमें एमोलेड डिस्प्ले, दैट्स इट, यही इसको अलग करती है, वरना तो सब कुछ इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कल्ट स्पोर्ट बीट्स यहाँ पे जीत जाती है। वैसे आप जरूर मेरे को बताना दोनों में से फेवरेट कौन सी आपकी वॉच है, और किस वॉच का कंपैरिजन किस वॉच के साथ आपको चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।